thank you priya for your such kind words and it was a it's a pleasure to be here and get an opportunity to interact with all of you thank you for inviting me थैंक यू फॉर बींगर इन फैक्ट ये ऑल्सो अगर आप अगर अखबार पढ़ते होंगे टेलीविजन देखते होंगे तो आजकल दिस इज़ अ बुक दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग अलॉट काफ़ी जिक्र हो रहा है इस बुक में स्पेशली अबाउट प्रणब मुखर्जी के जो इंटरैक्शंस थे विद द गांधी फैमिली फ्राम इंदिरा गांधी ऑनवर्ड्स नॉट जस्ट राहुल एंड सोनिया बट फ्रामज़ औरिजिनल डेज आई कम बैक टू इंदिरा गांधी लेटर बट फर्स्ट द हेडलाइंस जो पहनुदा ने राहुल गांधी के बारे में लिखा है और उनका जो काफ़ी इट्स नॉट ब्रेकिंग न्यूज़ बट इट इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस नहीं देखिए पूरे किताब में ये 370 पेज की लगभग किताब हैं उसमें राहुल गांधी जी के बारे में लगभग पाँच या छः ऑब्जर्वेशन्स हैं क्योंकि ये किताब राहुल गांधी के बारे में नहीं है बट ऑब्वियसली बेटर देन मी यू नो हाउ मीडिया वर्क सो लेकिन मुझे जो लगा कि बाबा के जो ऑब्जर्वेशन थे राहुल गांधी के बारे में वो सिर्फ खाली बाबा के ऑब्जर्वेशन्स नहीं थे वो तो शायद बहुत कॉमन सो इसमें कोई रेवलेटरी कोई रेवलेशन नहीं था अब राहुल गांधी बाबा के हिसाब से ये किताब जब ये ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने लिखा था अपने डायरीज में ये 10-12 साल पुराने ऑब्जर्वेशन्स हैं तो तब पोलिटिकली अगर बहुत एक जो प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही मेच्योर पोलिटिशियन थे तो उनको कोई अगर यंग पोलिटिशियन इमेच्योर लगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और राहुल गांधी जी के पोलिटिक पोलिटिकल कितना इस 10 साल में 12 साल में बढ़ा है तो उसके विषय में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी जिस तरह से राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस अपना सपना ही सरकार की ऑर्डिनेंस को बिल्कुल भरे मीडिया के सामने ट्रैश किया बोला इसको उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए इस तरह के कुछ शब्दों की आ, उन्होंने उपयोग की तो ये क्या कोई मेच्योर पोलिटिशियन की एक्ट है बाबा ने लिखा कि इट शोज़ मैंने उनको पहले ये बताया बात ये न्यूज़ मैंने उन, उनको ब्रेक किया तो बहुत तब, uh, मतलब जिस तरह से बाबा uh, मतलब गुस्सा हो गए द वे गॉट सो एंग्री कि मैंने एज एफ ऑर्डिनेंस फाड़ा सो तो उन्होंने फिर बाद में लिखा रात को दैट इट शोज हिज दिस बॉय हैज गॉट ऑल द एरोगेंस ऑफ हिज गांधी नेहरू लीनिय विदाउट देयर पोलिटिकल एक्यूमेंट एक बात बताइए अगर राहुल गांधी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी की और कोई भी बड़े से बड़े लीडर क्यों ना हो अगर उस तरह की कोई एक्शन करते उनका अगेंस्ट उनको क्या मतलब छोड़ दिया जाता कांग्रेस पार्टी में से कोई मतलब हिम्मत भी करते इस तरह की करने का वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली पॉलिटिकल मेचोरिटी है लेकिन ये एरोगेंस की जो बात है मतलब राहुल गांधी जी की टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आज कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ बट एज एडिटरी सिटीजन मैं भी सवाल करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का इतना एरोगेंस क्यों है कि अपने ही सरकार को यू नो भरे सबका सामने मीडिया का सामने यानी कि पब्लिक के सामने इस तरह के ट्रैश करने का उनका इतना ज़्यादा अहंकार कहाँ से आया अंकार तो ताइरनों पर उनकी जो सोच थी वो भी उनके बारे में पढ़ना था कि एक बहुत टेलिंग लाइन है कि वो उन्होंने पूरा यूपीए गवर्नमेंट जब यूपीए हारी थी तो उन्होंने जो लॉस को जिस तरह की उन्होंने जब एनालाइज़ किया था तो किया था जैसे कि, कि किसी और की कि सरकार है एंड ही हैड रियली नो रोल टू प्ले एक सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट था दैट इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ने हाँ उन्होंने यही लिखा था कि दो के बाद जब राहुल गांधी उनसे एक बार लंच के लिए मिलने के लिए आए तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरी इलेक्शन की एनालिसिस करी तो uh, बाबा को लगा कि एक एज इफ ये ऑब्जर्वेशन कोई मतलब तीसरे पार्टी दे रहे हैं राहुल गांधी कैंपेन की फेस थे कांग्रेस पार्टी की कैंपेन की ही वॉज द फेस बट ऐसा लग रहा था कि यू नो ही वॉज देर वॉज दिस डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू माई फादर दैट देर वाज दिस डिस्टेंस फ्राम द पार्टी विच परहैप्स फेल टू एंथ्यूज द कांग्रेस वर्कर्स एंड दैट काइंड ऑफ एंथ्यूजम विच द बीजेपी वर्कर्स गॉड फ्राम नरेंद्र मोदी so he made this comparison that you know it seems that as if his distance from the party Rahul Gandhi's and he also said that he seemed to lack the killer instinct Jo hmm. ek politician में होना चाहिए खासकर election जीतने के लिए जो killer instinct होना चाहिए मेरे father के मुताबिक Rahul Gandhi जी में वो killer instinct नहीं दिखा मेरा भी शर्मिस्टर जी आई वॉन्ट टू शेयर वन पर्सनल यू नो मोमेंट ऑफ हिस्ट्री विद प्रणब मुखर्जी जब वो दिस इज़ इन 2017-18 ऑर्डिनेंस के फाड़ने के पहले तो उस समय मैं इंडिया टुडे में थी एंड आई हैड गॉन टू इंटरव्यू हिम एम जी अकबर उनके काफ़ी करीब दोस्त भी थे और उस समय उन्हें लग रहा था कि प्रणब जी हैड समथिंग टू से सो आई वेंट टू इंटरव्यू हिम और बातों बातों में मैंने कहा कि देखो अगली बारी दो हज़ार उन्नीस में अगर उस समय तो लग रहा था यूपीए आएगी और राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर तो आप क्या रोल प्ले करेंगे बिफोर आई कूड इवन फिनिश ही सेट ही कट मी शॉर्ट एंड ही सेट आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ राहुल गांधी इज़ कैबिनेट मतलब इवन बाय देन दट स्टेटमेंट वॉज वेरी क्लियर ही वॉज रेडी टू कॉल इट विथ्स आई थिंक ही वॉज ऑलरेडी डिसोल्यूजन और ही सेंसड वॉट इज कमिंग इट वॉज क्वाइट अ रिमार्केबल

बट उनसे ये सवाल पूछा गया था क्या आप अब आप इंदिरा गांधी जी के साथ थे फिर आप, आप सोनिया गांधी जी के साथ दिए तो आपके राहुल गांधी की भी सरकार में आप रहेंगे तो बाबा ने तब स्पष्ट कह दिया था कि 2014 में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मतलब 2014 में तब उनको पता नहीं था कि 2012 में वो प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे उनको कुछ नहीं पता था बट वो ये बात का वो बहुत ही मतलब क्लियर uh, थे एज भी एज भी एक फैक्टर होता है बट वो बहुत क्लियर थे कि 2014 में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और राजनीति से रिटायर करेंगे तो अब हम आते हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेप था ही वॉज़ वेरी क्लियर कि सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी फॉर यू नो वॉट एवर रीजन्स एंड इन फैक्ट अ वेरी टेलिंग कॉमेंटरी जब भी सोनिया गांधी उनको प्रेज करती थी ही सिंग शी इज़ क्या बोलते थे शी इज प्रेजिंग मी बिकॉज शी इज़ ऑल्सो डिनाइंग मी सम नो 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 वो मेरी ऑब्जर्वेशन वो मेरी ऑब्जर्वेशन बाबा ने कभी इस बात को नहीं लिखा लेकिन बाबा का जब डायरी मैंने बहुत सालों से सालों का डायरी मैंने पढ़ा तो मुझे एक पैटर्न लगा कि जब भी बाबा बहुत खुश होते थे जब सोनिया गांधी उनको प्रेस करते थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रेस करते थे नेचुरली तो अपने डायरीज़ में लिखते थे दैट हाई प्रेस फ्रॉम सोनिया गांधी और हाई अप्रिसिएशन फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह तो लेकिन मैंने एक पैटर्न देखा कि जब सोनिया गांधी जी उनको बहुत प्रेस करते थे <laughs> उसके बाद ही शायद यू नो कि जो बाबा कुछ चाहते थे तो शीज़ टू विद विथ होल्ड बट हमेशा नहीं मतलब वैसे भी कि प्रेस किया फिर उसमें कुछ नहीं हुआ लेकिन ये पैटर्न मैंने एक देखा तो इन्होंने बाबा ने कुछ कनेक्ट नहीं किया ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी बट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन फिर जब उनको प्रेजिडेंट बनना था उसमें भी ही वॉज नॉट सोनिया गांधी फर्स्ट चॉइस इनफैक्ट देवर टू वेमेन हु अगेंस्ट हिम वो भी आपने लिखा है टेल ऑफ टू लेडीज़ तो उनके बारे में बताइए हाउ डिड ही फाइनली बिकम द प्रेजिडेंट देखिए ये सोनिया uh, जी के फर्स्ट चॉइस या सेकेंड चॉइस या थर्ड चॉइस थे ये तो मैं बता नहीं पाऊंगी uh, लेकिन बाबा के डायरे से मुझे ये पता चला और वैसे भी कि सोनिया गांधी जी हमीद अंसारी जी का भी क्या वीनिबिलिटी है उनका क्या एक्सेप्टेंस है शी वॉज़ ट्राइंग टू अगेज इट और uh, बाबा को उस दौरान तब मैंने पूछा था कि आप uh, ममता बैनर ममता दी मैं बोलती थी उनको mm -hmm. सभी आप ममता दी से क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते हो कि वो सोनिया जी को uh, आप, आपका नाम प्रपोज करे सो so, बाबा ने बोला कि शी इज़ गोइंग टू बी द वन टू अपोज माई नेम तो मुझे ये समझ में नहीं आया था लेकिन एज इट टर्नड आउट दैट यू नो ममता ममता दी अपोज हर नेम and actually to be very honest i have written in my book also that still today it is beyond my understanding that why did she oppose her name and what uh, politically what did she try to achieve out of that but um आई थिंक यू गॉट टू नो दैट यू नो जब आपने ही उनसे पूछा था कि विल सोनिया गांधी यू मेक यू प्राइम मिनिस्टर ही सेच शी विल नेवर मेक मी प्राइम मिनिस्टर सो ही न्यू देट देर इज अप टू अ लिमिट उसके आगे नहीं जा पाएंगे हाँ और ये बात कोई नई ऑब्जर्वेशन नहीं थी uh, ये दो हज़ार uh, चार पर जब uh, मीडिया में चर्चा चल रही थी सोनिया गांधी जी का जब उन्होंने अपना uh, क्लेम रिनाउंस किया कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने बनेंगे ये बताया तो बाबा का साथ मेरा बात हुआ फ़ोन पर बात हुआ था तो मैंने बोला कि बाबा तुम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो मैं बहुत एक्साइटेड थी तो इमीडिएटली उन्होंने कहा कि नहीं सो सोनिया जी मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाएंगे और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे उनकी 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह तब साउथली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े थे सो एट दैट टाइम ही he noted in his diary that Dr. singh is uh, um, contesting from south delhi and most probably he will win and he, uh, and, and he is the like in case of a congress win he is the likely can, pm candidate तो so, 1999 में भी उनको पता था अगर congress चुनाव जीतेगा तो Dr. manmohan singh prime ministerial candidate हैं तो इसलिए 2004 में मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा कोई expectation था कि उन्हें prime minister बनाया जाएगा थोड़ा सा अब नरसिम्हा राव एंड हिज इक्वेजन आपने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बारे में भी लिखा है एंड उनके बाद जो डैमेज कंट्रोल उनको करना पड़ा ही वॉज यू नो वट वर हिज फीलिंग्स एट दैट टाइम एंड वट हैपन देन? देखिए बाबा ने पब्लिकली नरसिम्हा राव जी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो डिसीशन है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी सरकार की पूरी कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आप खाली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को आप दोष नहीं दे पाते और उन्होंने ये भी कहा कि तब प्रेसिडेंट रूल करना इन एंटिसिपेशन कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है उसका एंटिसिपेशन में अगर आप प्रेसिडेंट रूल करो और नरसिम्हा राव की सरकार जो थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी तो उस उनके उसके लिए शायद मुश्किल था लेकिन उनकी डायरी में बाबा प्राइवेटली उनके डायरी में और से पता चला और राय डायरी में ये भी लिखा था कि प्राइवेटली उन्होंने पी वी नरसिम्हा राव जी को बहुत क्लियरली बोला कि ये आपकी जो मतलब कुछ नहीं करने का आ, कुछ एक्शन इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने जो नहीं लिया ये बहुत गलत बात है एंड ही सेड यू नो ही स्पोक हीज़ माइंड विद पी वी नरसिम्हा राव एंड ही टोल्ड हिम वेरी फर्मली That you know he should have taken a far stronger action, and he also wrote that you know PV was set, I mean he used to call him PV. Oh. That PV was sitting there uh, without uttering a word. He said I felt both sad and sorry for him, but I had to say whatever I had to say. Which is you know unlike a lot of Congress politicians who said uh, publicly rather than privately what they said. You know he was no, not. I think my father was opposite, and throughout his diaries, you know starting from Indira Gandhi's time, you know I have seen until the very uh, last day of his government in the party forum whether it's cwc meetings whether it's a parliamentary committee meeting or any other within party forum he would very strongly you know he would put forward his view very openly very strongly and unqaiq favorite faizha firmly and frankly i gave my views firmly and frankly लेकिन अग, अगर कोई भी डिसीशन पार्टी में एक बार तय हो जाए और अगर वो अपने उनके व्यू का कॉन्ट्ररी भी रहे पब्लिक में वो हमेशा पार्टी लाइन से एक लाइन भी एक मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुए And his equation with Indira Gandhi. That is, uh, I found very interesting because, he was a mentor party politics, it was with Indira Gandhi. Tell us a bit about the equation they had. Yeah, my father always stated publicly, privately, at every occasion that wherever he had reached in his life, it was all because of Indira Gandhi, who was a mentor to him.

और वो हाफ शर्ट वो जिसको बुश शर्ट कहा जाता था हाफ शर्ट और ट्राउजर पहन ट्राउजर्स पहनने की तो ए, ए, एक बार मिनिस्टर बनने की बात यंग मिनिस्टर थे मतलब जूनियर मिनिस्टर थे लेकिन फिर भी पीओमो में, में प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा तो वो अपने बुश शर्ट और ट्राउज़र पहनते हुए प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा जी ने उनको बहुत डांट लगाया और बोला कि प्रणब आप अभी एक मिनिस्टर हो आपको अलग अलग यू नो इंडस्ट्री के अलग अलग लोगों से फॉरेन डिप्लोमैट से फॉर्मल मीटिंग्स करने पड़ेगी पड़ेगी आई नो यू ड्रेस अप यू हैव टू ड्रेस अप मोर फॉर्मली तो खाली ये भी नहीं इंदिरा जी ने खुद मेरी मदर को फ़ोन करके उनको बताया कि प्रणब के लिए सूट सिलवाओ <laughs> और तब से बाबा का बंद गला सूट आप लोगों ने आप लोगों को याद होगा <laughs> हमेशा वो कोई भी ओकेशन में अपना बंद गला सूट और पार्टी फंक्शंस में धोती कुर्ता ये उनकी ऑफिशियल ड्रेस ड्रेस कोड बन गए और एक पार्लियामेंट में एक था डॉ एक मिस्टर भूपेश गुप्ता थे सी कि ब, ही किज़ ए ले, लेजेंडरी पार्लियामेंट वो तो बाबा को बहुत प्यार भी करते थे लेकिन एक बार ब, कोई हीटेड डिस्कशन में वो बाबा कुछ बोल रहे थे तो मिस्टर गुप्ता ने इंटरव्यू किया और बाबा ने बहुत रूडली उनको जवाब दिया तो क्या भी बैठ जाइए और आपका जब समय होगा तब बोलिएगा तो इंदिरा जी तब तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे उन्होंने बाबा को एक नोट भेजा एपोलोजाइज राइट नाउ तो बाबा ने आपका स्पीच बंद करके इमीडिएटली मिस्टर गुप्ता से अपोलोजाइज किया और उसके बाद जब पार्लियामेंट ख़त्म हो गया हाउस एड हो गए तो मिस्टर गुप्ता ने बहुत ही हंसते हंसते बाबा को बोला क्या टीचर मैडम से डांट पड़ी वो बहुत खुश थे मतलब पर डांट तब भी पड़ी जब वो आइसक्रीम खा रहे थे हाँ ये भी बात है कि एक बार बाबा कहीं बाहर फॉरेन टूर में थे और साथ में पीलू मोदी जी भी गए थे पीलू मोदी जी वॉज़ अगेन वेटरन पार्लियामेंटेरियन हु हुज़ अ फाउंडर मेम्बर ऑफ स्वतंत्र पार्टी और uh, वो थोड़ा हेल्दी भी थे तो एक बार आ, बाबा वो लॉबी में पकड़े गए वो आइसक्रीम खा रहे थे तो इंदिरा गांधी जी ने देखा फिर इंदिरा गांधी जी ने बहुत सीरियसली किसी को बोला कि आप पीलू मोदी को बुलाओ तो मो, पीलू मोदी जी, जी जब उनकी तरफ आ रहे थे तो इंदिरा जी ने पॉइंट आउट करके ब, बताया कि आई यू सींग हाउ मी इज कमिंग एहेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी सो इफ यू डोंट कंट्रोल योर सेल्फ यू विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट एंड बाबा के छोटे कथ थे तो इस छोटे कथ को लेके भी काफी कभी कभी मजाक करते थे तो उन्होंने बोला कि यू कैन ग्रो वर्टिकली एनी मोर यू नो एन्श्योर दैट यू डोंट स्प्रेड हराइजेंटली सो इस तरह की भी मतलब हंसी मजाक और छोटे छोटे चीज़ों में नज़र देना मतलब इट शोज दैट यू नो वट काइंडफ़ स्ट्रॉन्ग I mean, bond they had between themselves. So this is the bond that is missing with the next generation of Congress, and this distrust started with Rajiv Gandhi. Well, you know, it is. Uh, I think every leader formed their own bonds. So in the uh, Rajivji formed his bond probably with some other people, and unfortunately, many of them uh, left him, and uh, so yeah. After uh, Rajiv Gandhi, uh, he dropped. He was dropped from the second cabinet of. Uh, Mr. Gandhi, which was fought after uh, assassination of Indira Ji, so there are various causes for this. You know, one what he felt that uh, Rajiv Gandhi also had a very strong social circle around him, his Doon School friends and all. So when Rajiv Gandhi joined politics, this particular group also started uh, getting, you know, political, uh, some kind of political influence so baba by his own word he was not a very social person and he was also not a uh, uh, he was very busy you know to cultivate this group of people i mean uh, also i mean he felt i mean that, that i came to know much later you know uh, somewhere in you know, some notes from his 1985 that uh, perhaps in their two months of working together immediately after indira gandhi's assassination the, gov uh, the uh, government was formed and before the elections so what perhaps rajiv gandhi felt, he wrote that i am a tough nut. nut. Mm. i'm a tough nut because, you know, my father had a very strong mind of his own. and that strong mind was combined, you know, with a formidable, uh, formidable knowledge experience, uh, expertise, you know, meticulous homework. so it was not easy to argue with him. and perhaps in any kind of very politically, uh, you know, personality-oriented political culture,

कोई कंपैरिजन नहीं हो सकते हैं बिकॉज फर्स्टली बाबा का साथ मिस्टर मोदी का जो इंट्रैक्शन uh, रहा वो एज अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो रोल है बाबा ही वाज वेरी क्लियर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड उन्होंने मिस्टर मोदी को बहुत क्लियरली उनकी जब मिस्टर मोदी उनसे मिलने के लिए आए थे आए थे और ये बात मैंने मोदी जी से ही सुना उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्राइम एज अ प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट बाबा के साथ मिलने के लिए आए तो वो थोड़ा नर्वस थे तो बाबा ने उनको कहा कि uh, हम दोनों वी बिलोंग टू टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज जनता ने आपको बहुमत दिया है सरकार चलाना आपकी जिम्मेदारी है सरकार चलाना द एग्जीक्यूटिव जॉब द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट उसमें मैं कुछ इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूँगा लेकिन अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर आपको कोई मुझसे मतलब गाइडेंस चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा तो मोदी जी ने बताया मुझे कि दादा के लिए ये बात कहना बहुत बड़ी बात थी सो so, बाबा अपने रोल में बहुत क्लियर थे कि ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि और ये किताब में और भी इंस्टेंसेस हैं जिनका उनका ही वॉज़ अ कॉपी बुक प्रेसिडेंट उनको पूरी तरह से ये विश्वास था कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कोई किसी तरह से गवर्नेंस में इंटरफेयर उनको नहीं करना चाहिए और एक तो देखिए पर्सनल रिलेशनशिप एक पर्सनल रिगार्ड लेकिन बाबा के ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ प्रेसिडेंट आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्ड एंड दैट इज व्हाट मेड मिस्टर मोदी एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रणब मुखर्जी एज अ प्रेसिडेंट टू वर्क टुगेदर एज अ टीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन बट वैन इट केम टूंगीटाइजेशन ही उनको सपोर्ट किया आई डोंट थिंक एज अ फाइनेंस एनीथिंग supported मोनिटाइज इस विषय पे बहुत ही विस्तारित रूप में चर्चा है मेरे किताब में और अलग अलग स्टेज में प्राइम मिनिस्टर भी उनके पास आए वो भी प्राइम मिनिस्टर का पास गए और डीमोनेटाइजेशन में का अ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है उन्होंने इंदिरा जी को एक नोट भेजा था वो डी बाबा एज अ फाइनेंस मिनिस्टर करना चाहते थे mm. लेकिन इंदिरा जी ने उनको मना किया कि इसे बिल्कुल मत करो बिकॉज जो नोट्स होते हैं ये सरकार की एक गारंटी होते हैं दिस इज द गारंटी ऑफ द ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल तो he said, इसे पूरी सरकार का जो बैंकिंग सिस्टम है रवि करेंसी सिस्टम है उसमें से सरकार की फेथ हट जाएगी और बाबा भी उस बात से सहमत थे तो डिमोनिटाइजेशन को मिस्टर मोदी ने बिकॉज वो अपने ही सरकार थे एक हिसाब से बिकॉज यू नो वेन प्रेसिडेंट एड्रेसेज द पार्लियामेंट और एनीथिंग हीज दिस इज माई गवर्नमेंट एंड एज ही वॉज वेरी क्लियर दैट यू नो ही कैन नॉट यू नो गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओपनली यू नो सो ही सपोर्टेड थ्रू अ ट्वीट आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्टेड हिम बट डीमोनेटाइजेशन लेके उनके जो कंसर्नस थे और डीमोनिटाइजेशन की समय में कि जिस तरह से बहुत जल्दी जल्दी रूल्स बदला जा रहा था पब्लिक अपना ही बैंक का अपना ही पैसा दे वायर नॉट बीग एबल टू विद्रॉ इस सारे विषय में बाबा ने एज अ प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री का साथ चर्चा किया उनकी कंसर्नस बताए और क्या प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या करना चाहिए Uh, उस विषय में भी uh, uh, कि रूरल इकोनॉमिक सफ़र ना करे और बहुत सारे विषय पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सलाह भी दी और जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको भारत रत्न दिया तो फिर कांग्रेस आई पर कांग्रेस की लीडरशिप नहीं आए वो राष्ट्रपति भवन uh, देखिए ये क्यों नहीं आए इसका जवाब तो uh, कांग्रेस सुप्रीम लीडर ही दे पाएंगे बिकॉज इसमें मेरा कोई uh, कहना नहीं है लेकिन इस बात को जब मैंने मैंने और ट्विटर में क्योंकि मैं तब कांग्रेस की एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट थी तो इस बात को लेकर ट्विटर में बहुत सारे लोग टिप्पणी करे तो मैंने डिफेंड किया मैंने बोला क्या बात है कोई बात नहीं सोनिया जी राहुल जी नहीं आए लेकिन अहमद पटेल जी थे भूपेंद्र हुडा जी थे बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे आनंद शर्मा जी थे तो क्या बात हुआ लेकिन जब इस विषय पे मैं अपना फादर से प्राइवेटली चर्चा किया तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब वेरी स्ट्रेंज थिंग ही सेड दैट यू नो दे डिड नॉट अलाउ द बॉडी द बॉटल रिमेन्स ऑफ नरसिम्हा राव हुज़ अ फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस बट सोनिया जी एंड हर चिल्ड्रेन डिड नॉट अलाउ द बॉडी ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू एंटर ए आई सी सी आफ्टर हीज डेथ तो वो मेरे भारत रत्न सेलिब्रेनिटी में नहीं आए तो इसमें बड़ी बात क्या है और ये बात जो है कि पीवी वी नरसिम्हा राव की मॉटल रिमेन्स को एआईसीसी में नहीं आने दिया गया इस बात को लेके बाबा का जो एक आई थिंक अगर कोई एक भी एक्ट हो कोई एक एक भी आ, मतलब अगर कारण जिसको जिस, जिस विषय पे वो सोनिया गांधी जी को दोषी ठहराते हैं और उनको सम्भाव मन से कभी उनको फरगीव नहीं कर पाए इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस एक्ट बिकॉज इस बारे में उन्होंने बहुत दफ़े बोला और अपने डायरीज में भी बहुत दफ़े लिखे कि इट वॉज एब्सोल्यूटली शेमफुल ऑन पार्ट ऑफ सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रेन नॉट टू अलाउ द बॉडी ऑफ अ कांग्रेस ऑफ द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस नॉट टू लेट हिज बॉडी एंड ऑल्सो टू क्लैरिफाई माई फादर रिक्वेस्टेड सोनिया जी

And uh, he is a stalwart leader of Congress, my father's uh, old colleague. But they also and had a very uh, turf war, a huge turf war. It, it, it shows. It shows. You know, in my father's diaries, also I have seen that. You know, like obviously, if you are working, you know, uh, under you know such, for whether it's Sonia Gandhi, whether it's uh, uh, Dr. Manmohan Singh, whether his other colleagues, that yes, there are many instances of you know heated exchange of words, spark flying, cold shouldering, you know but after some time things seem to become normal so my father once told me that you know working under such high pressure and for so many years there are bound to be differences but difference doesn't mean conflict and mr chidambaram's coming to my uh, book launch uh, it really shows that you know such a gracious person i mean it, he shows his uh, you know his grace his class and his magnanimity you know that uh, i mean those kind of things those spark flying and those this thing those are actually uh, immaterial you know somewhere else you know the human relationships the human regards the courtesy towards each other and that courtesy extended to a colleague's daughter you know that is far more important and i was and i am very 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 touched by his coming no other congress leader came but you know he really saved the day and my father a soul, if it's there somewhere, I don't know. I mean, but Baba, it's a touch of old world politics that unfortunately yeah. we don't see much of today. Yes. But, Shervishtha Mukherjee, thank you so much for thank coming and you. talking to us. And thank you. I think a daughter not just remembers, but a daughter has also done a father proud. So, thank you. Thank you, you so Congratulations. much. Congratulations. Yeah. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.